और बच्चों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। आईआईटी 2021 2022 व्हाटएवर 2023 जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हो, जोरदार तैयारी कर रहे होंगे। ऑलराइट, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 10 में कॉन्सेंट्रेशन सेल पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो आईआईटी मेंस और एडवांस लेवल में पूछी जा सकती है या जिस प्रकार की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कॉन्सेंट्रेशन सेल बेसिकली वो सेल होता है जिस सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड एक ही मटेरियल के बने होते हैं, यानी कि जिस सेल के अंदर बेसिकली ए नॉट का वैल्यू जीरो होता है। ऑलराइट, तो आज हम लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों पहला प्रॉब्लम करते हैं। पहला प्रॉब्लम है गैल्वेनिक सेल इज कम्पोज ऑफ टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वन ऑफ विच इज स्टैंडर्ड वन, यानी एक सोल्यूशन जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, यानी एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है 1 मोलर। In which of the following solutions should the other electrode be immersed to get maximum EMF? यानी maximum EMF प्राप्त करने के लिए हम इनमें से कौन सा solution दूसरे terminal पे use करें? यानी कि एक हमारे पास standard hydrogen electrode है और एक है हमारे पास H plus H two 1 atm PT। अब इस जगह पे जो solution हमें use करना है वो कौन सा use करें? तो पहली बात तो ये समझें कि हमें जो इन चारों में से सोल्यूशन दिए हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे रखना चाहिए या राइट हैंड साइड पे रखना चाहिए, सेल कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि एक हमारा स्टैंडर्ड है जिसके अंदर एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। अगर मैं अपना एक कॉन्सेंट्रेशन सेल लिखता हूँ पी टी एच टू एच प्लस सी वन सॉल्ट ब्रिज एच प्लस सी टू एच टू पी टी, दोनों तरफ प्रेशर में 1 atm ले लेता हूँ। अब आपको पता है ये एक इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल बन गया। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में अगर वो केटायन के रिस्पेक्ट में रिवर्सिबल है तो आपको पता है कि सी टू का वैल्यू सी वन से बड़ी होनी चाहिए। ऑलराइट, और अगर सी टू का वैल्यू सी वन से बड़ा होना चाहिए तो यहाँ पे एस एच ई लेंगे इस वाले टर्मिनल पे राइट हैंड साइड में, यानी ये 1 मोलर हो गया। ऑलराइट, अब यहाँ पे सी वन जो है वो मुझे ये करना है कि सी वन के केस में कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हम ले सी वन को प्रोड्यूस करने के लिए ताकि ईएमएफ मैक्सिमम हो। तो आप याद होगा कि E इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 1 लॉग सी टू अपॉन सी वन, इसका फॉर्मूला बनेगा ईएमएफ निकालने का। सी टू हमें पहले से पता है 1 मोलर, तो सी वन जितना कम होगा ईएमएफ की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब आप जरा देखो चारों ऑप्शंस में, यहां से तो एग्जैक्टली पॉइंट वन आएगा और यहां से पॉइंट टू आ जाएगा एच प्लस, रफली पॉइंट टू के बराबर आ जाएगा एच प्लस, है ना। अब सारे ए से पॉइंट वन मोलर है, तो एक बात तो तय हो गई कि ए और डी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ए और डी से एग्जैक्टली पॉइंट वन मोलर या पॉइंट टू मोलर आने वाले हैं। अब हम बी और सी की बात करें तो बी और सी क्योंकि वीक एसिड है तो जिसका के ए, जैसे इसके के ए की बात करें और इसके के ए वन की बात करें, जिसका के ए छोटा होगा वहां से आने वाला एच प्लस कम होगा। अब आप वैल्यू देखो, एसटी केसिड के केस में के ए 2 × 10⁻⁵ है एंड एच थ्री पी ओ 4 के केस में के ए 10⁻³ है। इसका मतलब एसिटिक एसिड से आने वाला जो एच प्लस होगा, आपको पता है जो एच प्लस है दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट के ए इंटू सी, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगा दूं, या एच थ्री पी ओ 4 की बात करेंगे तो अंडर रूट के ए 1 × c हो जाएगा। तो K क्योंकि एसिटिक एसिड का छोटा है इसलिए एच आयन आने वाला एसिटिक एसिड से जो आने वाला एच आयन है वो स्मॉलेस्ट होगा, और एच प्लस अगर एसिटिक एसिड से आने वाला स्मॉलेस्ट होगा तो उस केस में ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो अपना आंसर क्या हो गया बच्चे लोग, बी। कमिंग टू प्रॉब्लम नंबर टू, टू वीक एसिड सोल्यूशन एच ए वन एंड एच ए टू ईच विद सेम कॉन्सेंट्रेशन एंड हैविंग पीके वैल्यू 3 and 5 are placed in contact with hydrogen electrode 1 atm 25 degree centigrade are interconnected through a salt bridge, the EMF of the cell is, मतलब यहाँ पे दो weak acid अलग अलग compartment में रखे हुए हैं और इन पे हमने दोनों में hydrogen electrode लगा के, दोनों साइड में हमने hydrogen electrode लगाने के साथ साथ उसका pressure भी 1 atm लिया है दोनों साइड में और इनको salt bridge से connect कर दिया है। अब आपको बताना है ईएमएफ ऑफ द सेल। मोटा मोटा ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। इसमें भी जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन सेल बनने वाला है पी टी एच टू एच प्लस सी वन यहाँ पे ले लेता हूँ सॉल्ट ब्रिज, एच प्लस यहाँ पे सी टू ले लिया एंड एच टू
दोनों साइड में, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रेशर 1 atm है, तो अगेन ये इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल बन गए। अगेन मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 1 लॉग C2 अपॉन C1। अब हमें HA1 HA2 दो एसिड दिए हुए हैं और अप्रोप्रिएटली कनेक्ट करके पॉजिटिव ईएमएफ निकालना है। कैसे पॉजिटिव पता चला? ऑप्शन दे करके, सभी में आपने पॉजिटिव ईएमएफ है, तो एक बात तो तय होगी कि कनेक्शन प्रॉपर बनाया है, सेल वर्किंग है। तो एक बात ये भी तय होगी कि C2 का वैल्यू C1 से बड़ा होना चाहिए, राइट? इसका मतलब जिस एसिड का पीके कम है वहां से आने वाला HIN ज्यादा होगा, उस एसिड को हमें रखना चाहिए राइट हैंड साइड में, राइट? तो यहां पे आपका HA1 होगा इस वाले टर्मिनल पे, और यहां पे आपका HA2 होगा, ओके? तो अब HA2, तो अब C1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? अंडर रूट KA into C, अप्रोक्सीमेटली हम लोग अल्फा को नेग्लेक्ट करते हुए लिख सकते हैं KA ऑफ HA2 इंटू सी। सी कितनी है? इक्विमोलर दिया हुआ है तो सिंपली हम सी लिख देते हैं, राइट? ऐसे ही C2 में लिख सकता हूं अंडर रूट KA ऑफ HA1 इंटू सी। ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 10 raised to the power -5 इंटू सी। ये हो जाएगा 10 raised to the power -3 इंटू सी। ऑल राइट, बस अब आप इसके अंदर वैल्यू रख दो 0.0591 अपॉन 1 लॉग C2 की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 10 raised to the power -3 c स्क्वायर रूट अपॉन 10 raised to the power -5 c स्क्वायर रूट। ये सब कट पिट के कुल मिला के ये वैल्यू 0.0591 इंटू लॉग 10 आ जाएगा, जो कि 1 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0591। गॉट इट? आई होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली इसमें थोड़ा सा माइंड की एक्सरसाइज करवाई आपसे कि किस तरह से कनेक्ट करें दोनों एसिड कंटेनिंग इलेक्ट्रोड को ताकि ईएमएफ पॉजिटिव आ जाए और कितना आ जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल कंसिस्ट ऑफ टू जिंक इलेक्ट्रोड्स आर डिपिंग इन M/4 सॉल्यूशन एंड M/16 सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्ट एट 25°C। ये तो सबसे आसान सवाल है, इन दोनों के कंपैरिजन में काफी आसान। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक जिंक प्लस टू सॉल्ट प्रेस जिंक प्लस टू जिंक, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल बना। अब आपको पता है कि राइट हैंड साइड में ज्यादा वाली कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, यानी 1/4 molar और ये 1/16 molar। अब आप सिंपली E इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2। 2 समझते हैं क्यों आया? क्योंकि ये जिंक वाले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा पर मोल ऑफ जिंक। लॉग C2 upon C1 यानी 1/4 upon 1/16। This will give you the answer 0.0178 volt. Alright guys, निकल आएगा। बहुत आसान था, इसके अंदर direct बस value put करना था। Next question. Consider the following cell at 25°C. Ag, AgBr, Br- left में लगा है and right में लगा है Cl- AgCl, Ag. Logically देखें बच्चों, तो ये जो cell है ना, ये दोनों दोनों साइड में जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं दे आर नॉट सिमिलर इलेक्ट्रोड, कायदे से कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं है। एसपी दिया हुआ है दोनों की और पूछा है कि ब्रोमाइड आयन एंड क्लोराइड आयन का रेशियो क्या रखें ताकि ईएमएफ ऑफ द सेल बिकम जीरो। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मैं किसी गिवन सेल को, चाहे वो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड ही क्यों ना हो, ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी will be same as EAG plus AG, जो आपका cell potential होगा या electrode potential होगा given cell का, चाहे उसे metal metal insoluble salt की तरह लिखें या metal metal ion की तरह लिखें, same आता है। तो क्यों ना हमें अपनी calculation को छोटा करने के लिए मैं दोनों तरफ metal metal ion electrode लिख दूँ। मतलब मैं इसमें क्या manipulation करने वाला हूँ, I would be writing this cell as this AG, AG plus C1 सॉल्ट प्रेस एजी प्लस सी टू एजी, बस दैट्स इट। अब इसके अंदर खास बात क्या है कि आपका जो एजी प्लस लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो क्या होगा, केएसपी ऑफ एजी बीआर डिवाइडेड बाय बीआर माइनस, एग्री करते हैं,
क्योंकि यहाँ पे एजी बी आर, बी आर माइनस और एजी का इक्विलिब्रियम है, और राइट हैंड साइड में जो सी टू होगा दैट विल बी के एस पी ए जी प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन राइट हैंड साइड, के एस पी ऑफ ए जी सी एल डिवाइडेड बाई सी एल माइनस कॉन्सेंट्रेशन। बस ये करते ही हमारा पूरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। नाउ दिस बिकम्स, दिस लुक्स लाइक ए कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो अब अगर मैं इसका ई एम एफ लिखूं तो क्या आएगा, 0.0591 लॉग सी टू अपॉन सी वन, ये जीरो लाना है, 0.0591 लॉग सी टू। सी टू मैंने क्या लिया है जरा देखिए, तो के एस पी ऑफ ए जी सी एल अपॉन सी एल माइनस, के एस पी ऑफ ए जी सी एल अपॉन सी एल माइनस, और सी वन हमने लिया है के एस पी ऑफ ए जी बी आर अपॉन बी आर माइनस। ऑल राइट, बस अब ये वैल्यूज हमको दी हुई हैं और ये रेशियो हमको निकालना है। ई एम एफ जीरो है, यहां से बी आर माइनस सी एल माइनस का रेशियो आप निकालोगे, इट कम्स आउट टू बी 1/200। ऑल राइट गाइस, तो ये देखिए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। बस ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कि 1/200 भी है, 200 भी है, तो कहीं ऐसा ना करना कि आप सी एल माइनस टू बी आर माइनस निकाल लो, क्योंकि यहाँ बी आर माइनस एंड सी एल माइनस का रेशियो पूछा। क्लियर बच्चा लोग? ऑल राइट, एंड अनदर क्वेश्चन। द सेल पी टी एच टू वन ए टी एम, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया है सोडियम एसिटेट, राइट हैंड साइड में हमारे पास एन एच फोर सी एल एन एच फोर ओ एच का एक बफर सोल्यूशन दिया है, ये 0.01 है, ये 0.2 है, ओके okay? और दोनों तरफ हाइड्रोजन वन ए टी एम पे दिया है, यहाँ पे के ए दिया है एसिड का और यहाँ पे के बी दिया है बेस का। ओके गाइस, तो कैन यू अंडरस्टैंड कि ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया, और आपको इस सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है। तो वंस अगेन, कैन आई राइट दिस सेल लाइक दिस, पी टी एच टू एच प्लस सी वन, सी वन आ रहा है आपकी सोडियम एसिटेट की हाइड्रोलिसिस से, सॉल्ट ब्रिज एच प्लस सी टू एच टू पी टी, दोनों तरफ हाइड्रोजन का प्रेशर 1 atm है। अब ये कितना सिंपल हो गया, देखो सी वन सी टू बस आपको निकालना है, सी वन आप हाइड्रोलिसिस की कंसेप्ट से निकाल लोगे, सी टू आप एन एच फोर सी एल एन एच फोर ओ एच के बफर सोल्यूशन से निकालोगे। कैसे निकाले, मतलब यहाँ पे ई अब हो गया हमारा 0.0591 लॉग सी टू अपॉन सी वन, बस मैं सी वन सी टू आपको निकाल के दे दूँ तो आपका काम हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड कि सी वन सी टू कैसे निकालेंगे। एल एच एस की साइड में हमारे पास सोडियम एसिटेट दिया हुआ है, कितना मोलर, 10^-3 मोलर, 10^-3 मोलर। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि जब हम हाइड्रोलिसिस कंसिडर करेंगे एन आयन का, हालांकि मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं, आप लोगों को आप बेसिक कंसेप्ट इन चीजों की ऑलरेडी पता है, तो यहां से मैं ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूँ अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी, OH आ जाएगा 10^-14 अपॉन 1.8 × 10^-5 इंटू सी दिया है मुझे 10^-3, यहाँ से OH आ गया। तो जो सी वन है आपका, दिस इज गोइंग टू बी एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन एल एच एस कंपार्टमेंट, के डब्ल्यू अपॉन OH अपन ने निकाल लिया है, यहाँ से सी वन आपका आ जाए। राइट गाइस, आर एच एस की बात करें, मेरे पास एन एच फोर ओ एच प्लस एन एच फोर सी एल का कॉम्बो है, एक बेसिक बफर है। आप चाहो तो पी एच का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, वहां से भी निकल आएगा, और इन इक्वेशंस को आप पी एच के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो एन एच फोर सी एल 0.01 है और ये 0.2 है, एन एच फोर सी एल हमें 0.01 दिया हुआ है, ये 0.01 और ये 0.2 दिया हुआ है। कैन वी राइट ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू एन एच फोर प्लस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एन एच फोर प्लस इंटू ओ एच आयन डिवाइडेड बाई एन एच फोर ओ एच इज इक्वल टू के बी, ये आपको दिया है एन एच फोर प्लस 0.01। हालांकि मैं बफर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बट आई अवॉइड यूजिंग सो मेनी फॉर्मूला, के ए के बी इज एनफ टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये हमें दिया है 0.2। तो यहां से ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको आ गया, राइट राइट हैंड साइड में ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया, यहां से आपको एच प्लस भी मिल जाएगा के डब्ल्यू अपॉन ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है।
तो आपको ये जो हमने निकाला है ये क्या चीज है, सी टू है। सी टू निकाल दिया, सी वन निकाल दिया, अब आप सीधे इक्वेशन में डाल दो, ई इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन वन लॉग सी टू अपॉन सी वन। राइट गाइस, ये डालने के बाद हमारा ऑप्शन ए आता है -0.0025, दिस विल गिव यू -0.0025। ओके ठीक है बच्चों, ये कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कॉन्सेंट्रेशन सेल पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। कायदे से रिकमेंडेशन तो ये होती है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ो, खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशंस देखो। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। बिफोर आई कंक्लूड, एक छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन, अन अकेडमी कॉम्बैट वीकली टेस्ट के बारे में, संडे को 11 बजे, हर संडे 11 बजे होता है बच्चों, एवरी संडे एट 11 o'clock, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एनरोल फॉर फ्री, बिना किसी फीस के एनरोलमेंट है। एंड यू हैव सो मेनी चांसेस चांसेस टू गेट सो मच ऑफ स्कॉलरशिप, 4 करोड़ रुपए का पूल है, और यहाँ से देख सकते हैं रैंक 1 to 3, 4 to 10, 11 to 50, 51 to 150, सभी के लिए कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है। ऑलराइट, इसके अलावा इसको रजिस्टर करने के लिए आप मेरा कोड यूज करिए STSIRCHEE, एंड अगर आप अभी तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो आप यही कोड यूज करके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पे भी 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय।